हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास का वो है रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम। रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम हमारे राजस्थान में दो सिटीज़ में अभी इम्प्लीमेंटेड है। फर्स्ट इज जयपुर एंड द सेकंड इज जोधपुर। तो सबसे पहले हम रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम को समझने से पहले हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कन्वेंशनल VHF कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो कन्वेंशनल सिस्टम जो है उसमें आपने सबने देखा होगा, एक कंट्रोल होता है और यूजर्स होते हैं। मैंने ये बना दिया यूजर वन, यूजर टू और ऐसे कई होते हैं, जिले में अपन ने मान लिया है यूजर, लास्ट यूजर जो है वो है 90, यानी 90 यूजर इसमें काम कर रहे हैं और सिस्टम है ये कन्वेंशनल। कन्वेंशनल VHF, VHF का मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और SYS यानी सिस्टम। तो कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता था सभी जानते होंगे, फिर भी अपन एक बार समझ लेते हैं। देखिए, कन्वेंशनल सिस्टम में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये पूरा नेटवर्क अगर मैं बात करूं तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होगा। सबसे पहली चीज तो ये हो गई, फ्रीक्वेंसी यहां पे हो गई, वन। अब ये 90 आदमी जो इस डिस्ट्रिक्ट में या किसी नेटवर्क में बैठे हैं, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी एक है, एक ही फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर रहे हैं। और काम कैसे करता है वो भी देख लें अपन। मान लीजिए कंट्रोल अपना ट्रांसमिशन शुरू करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है इस पर और बोलता है कॉल साइन लेते हुए कि मान लो टैंगो वन कॉलिंग कंट्रोल, तो सुनाई सबको देगा, यानी ये ऑल विल लिसन, सभी सुनेंगे। लेकिन रिस्पॉन्ड कौन करेगा? रिस्पॉन्ड इनमें से करेगा जो टैंगो वन होगा। मान लीजिए ये हो गया टैंगो वन, जो कौन सा है यूजर नंबर टू। अब इस 90 में सबने 90 ने सुना क्योंकि वो नेटवर्क पे थे, लेकिन काम की चीज किसकी थी? टैंगो वन की। तो इसको रिस्पॉन्ड भी कौन करेगा? अब जब इसको जवाब देना होगा तो ये ट्रांसमिट करेगा और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब कंट्रोल बोल रहा है और ये सुन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अब बताते हैं। इसके अलावा अगर किसी और यूजर को इस प्रोसेस में बात करनी हो तो उसको वेट करना होगा जब तक ये यूजर टू यानी टैंगो वन और कंट्रोल अपनी बात खत्म नहीं कर देते, माइक को नहीं छोड़ देते। ना तो यूजर वन कर सकता है, ना यूजर थ्री से लेकर 90 तक कोई कॉल कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? उसको वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक एक यूजर उसको काम में ले रहा है बाकी नहीं ले सकते। तो बात ये हो सकती है कि हम दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज कर लें। दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो हमें दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा। तो दूसरे चैनल पर भी यही कहानी रहने वाली है। हमें क्या करना है अगर हम ये चाहें? तो ये होता है कि इन सब यूजर के पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी हो। मतलब अगर यूजर वन यूजर टू से कंट्रोल से बात कर रहा है तो कंट्रोल के पास एक सेंड और हो जिसपे यूजर नंबर 90 अगर बात करना चाहे तो बात कर सके। ये अपना F1 पे बात करेगा फ्रीक्वेंसी वन और ये फ्रीक्वेंसी टू पे। मान लीजिए एक यूजर और है, अगर हम कंट्रोल पे एक सेट और खोल दें, ये F1 फ्रीक्वेंसी में सेट खुला हुआ है, ये F2 नंबर पे खुला हुआ है और ये F3 नंबर पे खुला हुआ है, तो यूजर टू को भी ये चांस है कि ये भी बात कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कंट्रोल पे 3 ऑपरेटर बिठाने पड़ेंगे जो तीनों कंट्रोल को मैनेज करेंगे, तीनों चैनल्स को। तो इस चीज को एक यूजर फ्रेंडली रूप में जो बनाया गया है
वो सिस्टम है रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम। अब हम आते हैं रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी पे, यानी इसके नामकरण पे। इसका जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा? देखिए, रेडियो का मतलब तो यही है कि हम जो वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगे वो यानी रेडियो हो गया। ट्रंकिंग जो वर्ड है वो आया, आपने पहले देखा होगा, आजकल तो जमाना बहुत बदल गया। पहले ट्रंक कॉल होते थे, ट्रंक कॉल। तो ट्रंक कॉल कैसे लगता था वो थोड़ा समझ लेते, ट्रंकिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर हम सीधे आएंगे इसके फीचर्स पर। देखिए, पहले जो था टेलीफोन एक्सचेंज की बात करें, टेलीफोन एक्सचेंज जो था उसके माध्यम से ही हम बात कर पाते थे, उसके थ्रू ही बात होती थी। तो वहां क्या होता था, एक ऑपरेटर होता था और उसके पास ट्रंक लाइन होती थी। ये मैं सेवन ट्रंक लाइन है तो मैं इनको नाम दे देता हूं T1, T2, T3। ट्रंक का कोई मतलब नहीं, अलग नाम दे रखा है, बाकी टेलीफोन लाइन ही है। तो इसके पास ये समझ लें सात फोन है, सात फोन लाइन से जुड़े हुए हैं और मैं चाहूं तो इनके थ्रू बात करा सकता हूं। तो पहले क्या होता था, एक महोदय है वो बैठे हैं कलकत्ता में और बात करना चाह रहे हैं वो चेन्नई। तो कलकत्ता वाला जब टेलीफोन एक्सचेंज पे, अपने कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंज पे बोलता कि साहब मेरे को बात करा दो, तो अपने घर से जो फोन उठा रहा है वो इस कंट्रोल यानी टेलीफोन एक्सचेंज पे फोन करता, इनका डायलॉग हो गया और टेलीफोन एक्सचेंज वाला देखता कि भाई कौन सी लाइन खाली है। ये सातों लाइन में वो कहीं भी मिला सकता था पूरे इंडिया में, तो उसने देखा ये लाइन खाली नहीं है, ये लाइन खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, सब पे बात चल रही है, पांचवा भी बंद है, छठा खाली है और इसको बात क्या करनी थी, चेन्नई। तो टेलीफोन एक्सचेंज वाला क्या करता था, इस कलकत्ता वाले की चेन्नई बात करा देता था। इसी बीच में मान लीजिए बात करते करते ये लाइन खाली हो गई, इस ये भाई साहब इससे बात कर रहे थे वो लाइन फ्री हो गई और टेलीफोन एक्सचेंज वाले के पास एक और कोई कॉल आया, वो आया कलकत्ता के दूसरी कॉलोनी से, कॉलोनी नंबर 2, और वो बोलता है कि साहब मेरी आप बेंगलोर बात करा दो। तो क्योंकि अब T3 खाली है, ये इससे बेंगलोर बात करा देगा। तो इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, टेलीफोन में जो बात करता है तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक नेटवर्क बनता है। तो इसमें देखें तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात फ्रीक्वेंसी है या सात चैनल है और यूजर कितने हैं, मल्टीपल यूजर हैं, लेकिन सभी यूजर्स के लिए सातों चैनल फ्री। मान लीजिए कि पहला वाला यूजर आज मंडे को बात करता है और इसको कौन सा मिला, T6। कल इसको फिर जरूरत पड़ गई बेंगलोर बात करने या कहीं और, हो सकता है इसको T6 ना मिलके T4 मिले। यानी ये जो रिसोर्स है, फ्रीक्वेंसी है, ये सभी के लिए अवेलेबल है और अकॉर्डिंग टू टाइम है। जैसे हमने पहले पढ़ रखा है टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग अकॉर्डिंग टू टाइम है, मंडे को ये मिली, संडे को ये, हो सकता है ये मिले, फ्राइडे को हो सकता है ये मिले, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी को कोई भी बंदा किसी टाइम पे अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी यूज कर सकता है। तो हो गई ना बात, रेडियो यानी वायरलेस और ट्रंकिंग मतलब जैसे हमारे पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स हो या बैंडविड्थ हो या अपना चैनल स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको सभी यूजर यूज कर सके और उसको अगर हम एक सिस्टम बना दें तो वो कहलाएगा रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम। अब जरा सा इसको एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, रेडियो ट्रेनिंग सिस्टम अभी कन्वेंशन हमने समझ लिया, उसमें लिमिटेशन थी कि मैं अगर कोई यूजर हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा सिस्टम खाली है या नहीं। रेडियो ट्रेनिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज उसकी जो होती है वो है मल्टी चैनल। बहुत सारे चैनल होंगे, चैनल की बात आते समझ जाइए कि मल्टी फ्रीक्वेंसी होगी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होगी और मल्टी ऑप्शन। कन्वेंशनल सिस्टम में हमारे पास एक बाउंडेशन था कि हम उसको यूज नहीं कर सकते,
सेट में हमारे 15 फ्रीक्वेंसी है लेकिन कंट्रोल ने कितनी खोल रखी है, सिर्फ एक, तो यूज कितनी हो पाएगी, एक। लेकिन यहाँ मल्टी फैसिलिटी है, आपके पास जितने चैनल्स हैं आप उसको यूज भी कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल सिस्टम से अलग जो रही है रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम है, इसको फिर अच्छी तरह से वापस पढ़ते हैं कि अब ये काम कैसे करेगा, होता क्या क्या है। देखिए कंट्रोल, अगर हम इस रेडियो ट्रंकिंग की बात करें तो उसमें मोटा मोटा जो मेरे हिसाब से मेरे समझ में आया है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमने बात करी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैं जैसा हमारा सिस्टम लग रहा है वैसे ही उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी स्लॉट 10 कर रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इधर हो गए यूजर्स जो कितने भी हो सकते हैं, मैं यहां सोच रहा हूं कि चलो 100 आदमी है। अब ये काम कैसे करेगा, ये इसका हो गया कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम इसका जो है। अब कंट्रोल है तो इसका मतलब ये दोनों ही काम करेगा, रिसीविंग भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। इसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक एंटीना सिस्टम, जिसमें मोटा मोटा अगर समझ लें तो दो कोलिनियर एंटीनाज होते हैं जो एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो ये दसों चैनल जो है आरएक्स के एंटीना से भी जुड़े हुए हैं और टीएक्स के एंटीना से भी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं वो आगे अपन समझेंगे, फंक्शन करता कैसे है। देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। यूजर्स मैंने बताया आपने, अपन ने एग्जांपल के लिए 100 यूजर्स लिए, होने को इसमें 2500 यूजर्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये 100 यूजर्स हैं, इसमें से 10 यूजर्स जो हैं वो कॉल करते हैं, तो अभी देखें तो ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, दसों के दसों खाली है। तो अभी अगर अपन देखें तो अभी क्या हुआ, FDMA 10 आदमी थे और 10 आदमी में 200 फ्रीक्वेंसी बट गई। लेकिन ये सिर्फ उस टाइम के लिए है, जैसे ही यूजर नंबर 1 ये भाषा अपनी बात खत्म करते हैं तो ये चैनल फिर फ्री हो जाएगा। यानी अब कोई 11वां यूजर फिर कॉल करता है तो उसके लिए ये चैनल अवेलेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से बाद में थोड़ी देर बाद फिर ये चैनल खाली हो जाता है, इसको फिर कोई आदमी ले सकता है काम में। यानी ये 10 चैनल हमेशा 100 आदमी के लिए फ्री रहेंगे। जिस आदमी ने पहले कॉल करा था उसको फर्स्ट चैनल मिला था, जरूरी नहीं है जब वो 10 मिनट या 10 सेकंड या 10 घंटे बाद कॉल करे तो उसे यही मिले, उसे हो सकता है ये वाला चैनल अलॉट हो जाए। यानी हर यूजर के लिए हर चैनल अवेलेबल है। अब थोड़ा सा आते हैं इस एंटीना सिस्टम में, क्योंकि 10 चैनल पे सिग्नल आ भी रहा है और 10 सिग्नल से ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तो ये होता कैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये तो है रिसीवर, उसका एंटीना, और ये है ट्रांसमीटर। और एक वर्ड यूज किया था मैंने कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम सेम हो, जैसे अपने जुड़वा बच्चे होते हैं वैसे। यानी ये बैंडविड्थ पे या ये जिस फीचर्स पे बनाया गया है तो दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी बैंड मान लीजिए इसका 10 चैनल का मान लीजिए 801 से लेके 810 तक एक बैंडविड्थ है अपनी, तो 10 चैनल बना दिया हमने, तो इस 801 से 810 के बीच में ये भी काम करेगा क्योंकि इसी पे सिग्नल आएगा, और ये भी काम करेगा क्योंकि इसी से सिग्नल जाएगा। तो आरएक्स और टीएक्स जो ये एंटीना होते हैं ये कैसे होते हैं, कोलिनियर, यानी बिल्कुल सिमिलर। तो अब ये रिसीविंग और टीएक्स में जो एंटीना का रोल है इसको थोड़ा सा और समझते हैं तो अपने क्लियर हो जाएगा बिल्कुल काम कैसे करेगा। देखिए आरएक्स के प्रोसेस में क्या काम होगा और टीएक्स के प्रोसेस में क्या काम होगा एंटीना में, एंटीना सिस्टम अगर बात करें उसको समझ लेते हैं।
देखिए जब कंट्रोल पे सिग्नल आता है, पहले रिसीवर को समझ लेते हैं, तो देखिए क्या होगा कि 10 चैनल पे सिग्नल आ रहे हैं, हम ये मान लें कि सभी पे सिग्नल आ रहा है, मैंने एरो बना दिए। जैसे कंट्रोल सिग्नल में आया, कंट्रोल ये चेक करता है कि यूजर इस नेटवर्क का है या नहीं, उसको बोलता है हैंड शेकिंग, और जैसे ही आता है तो उसने ये दसों को चेक कर लिया, मालूम कर लिया कि नेटवर्क के हैं। तो फिर क्या होता है, जैसा एक डाकिया जो जीपीओ में बैठा है, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस में बैठा है, वो क्या करेगा, ये देखेगा कि ये सारी डाके मेरे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है या नहीं, और फिर क्या करेगा, उसको चेक करना होगा, तो सबको एक डब्बे में डाल देगा, जहां जहां से डाक आई उसको सबको एक डब्बे में डाल देगा कि भैया एक जगह मैं इसको कलेक्ट कर लूं। तो ये 10 जगह से जो डाक आई, 10 जगह से जो रिसीविंग सिग्नल आए, ये सब उसने डाल दिए एक, जिसको बोलते हैं RX कंबाइनर। अभी उसको कोई लेना देना नहीं कि कौन किसको कॉल कर रहा है, उसने बस इतना सा चेक करा नेटवर्क में है या नहीं, जैसे ही नेटवर्क में हुआ उसने उसको RX कंबाइनर में डाल दिया। अब ये सारे एक सिग्नल बन गए, और वो कहां चले जाएंगे, जो उसके मेन रिसीवर। अब जो एक नॉर्मल रिसीवर है उसकी तरह ये काम करेगा, दसों के दसों सिग्नल, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या होंगे, डीमॉड्यूलेट होंगे। डीमॉड्यूलेट होने से हमें क्या मिलेगी, उसमें ऑडियो। हम सुन सकते हैं, दसों सिग्नल को सुन सकते हैं, लेकिन कंट्रोल को क्या मतलब है, ये क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है इसलिए उसको सुनना नहीं है, उसको क्या करना है कि अगर उसका इस चैनल वाले का दूसरे ने जवाब दिया। अब आ जाते हैं अपन TX वाले पे, किसी को साथ में ले लेते हैं और TX भी साथ में समझ लेते हैं। जैसे ही दसों सिग्नल का एक RX कंबाइनर के बाद सिग्नल अंदर गया, तो क्योंकि रिसीवर जो है ये कहीं से आया है, और इसको बात किससे करनी है, मान लीजिए इसको बात करनी थी, नंबर देते 01 से, इसको बात करनी थी 02 से, इसको बात करनी थी 03 से, इसको बात करनी थी 04 से, इस तरह से अपन ले लेते हैं 010। तो रिसीवर का काम तो आपने समझ लिया, रिसीवर RX कंबाइनर में आ गया। अब ट्रांसमिट वाला काम कैसे होगा वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये अपना एंटीना सिस्टम से सिग्नल आ गया RX कंबाइनर से, तो वो उसके सिस्टम में चला जाएगा, और फिर क्या होगा, हर 10 फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल आए हैं उसका दूसरी एंड से जवाब भी तो आ रहा होगा जो उसको ट्रांसमिट करना है। तो वो क्या होगा, वो सब जो अपन ने एक साथ आए उनके जवाब जब आ गए, तो उस सेट के अंदर से अब उसको निकलने किधर है, 10 चैनल में बांटना है उसको। तो जो RF हमें ट्रांसमिट करनी है वो सबसे पहले आ जाएगी स्प्लिटर, यानी अब डाकिया दूसरा काम करता है। कभी डाक खाने में जाइए, वहां पे देखेंगे अपन ऐसे डब्बे बने हुए होते हैं जो मैंने बनाए हैं। मैं अगर जयपुर का डाकिया हूं और मुझे 4 एरिया बांट रखे हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरा अफसर मेरे को डाक पकड़ाएगा, मैं देखूंगा कि ये रामगंज की है तो रामगंज वाले की डाक इसमें डाल दूंगा, ये केसरगंज की है तो मैं केसरगंज वाली में डाल दूंगा, ये रसूलगंज की है तो मैं रसूलगंज में डाल दूंगा, ये फरीदाबाद की फरीदगंज है उसमें डाल दिया। तो अब मेरा काम बड़ा आसान हो गया कि RK RT मैंने इनको स्प्लिट कर दिया, वही काम TX स्प्लिटर करेगा। जो 10 चैनल या जितने भी चैनल काम कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 10 चैनल काम आ रहे हैं, सभी चैनल पे बात हो रही है, तो ये स्प्लिट कर देगा किसमें, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और लास्ट T10, और ये कहां चले जाएंगे, TX वाले एंटेना में। और क्योंकि ये जो एंटीना है, आपने पढ़ा होगा एंटीना की भी एक बैंडविड्थ होती है, हमने सेट कर रखी है 801 से लेके 810 तक, और 100 चैनल पे ये रेडिएट कर सकता है, तो ये 100 के 100 सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे है। और मैंने जैसा कहा था पहले भी,
कि आरएफ एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती है, अगर हम इसके बीच में एक सफिशिएंट गैप रखते हैं, जैसे हम 25 किलोहर्ट्ज़ का रखते थे वैसे यहाँ पे भी गैपिंग रखते हैं, तो उस गैपिंग का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये 100 के 100 सिग्नल हालांकि एक ही एंटीना से ट्रांसमिट होंगे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक एंटीना सिस्टम होता है प्लस एक कंट्रोल होता है और एक फ्रीक्वेंसी बैंड। अगर ये तीन चीज हमें मिल जाए और इनका एक सिस्टम बना दिया जाए तो वो कहलाएगा ट्रंकिंग सिस्टम। एंटीना सिस्टम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल क्योंकि आपको मल्टी फ्रीक्वेंसी आपको करनी है F1 से लेके मान लो F10, अपन ने यहाँ एग्जांपल लिया था, तो इसका मेन जो नोड होता है वो है कंट्रोल। जो कुछ होता है सब इस कंट्रोल के माध्यम से होता है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स समझ लेते हैं, फीचर समझेंगे तो और इसके अंदर गहराई में जाते रहेंगे। देखिए इसके अंदर कई टाइप के कॉल होते हैं वो पहले अपन समझ लेते हैं। पहला 1-to-1 तो होता ही है, जैसे मैं अगर चाहूं, ये कन्वेंशनल में सिस्टम में फैसिलिटी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है रेडियो ट्रंकिंग में कि जो भी यूजर होता है उसको एक यूजर आईडी मिल जाती है। आप हर आदमी को एक यूजर यानी उसकी एक आईडी दे सकते हो, आप चाहो तो यूजर्स को ग्रुप में बांट सकते हो तो ग्रुप आईडी भी बना सकते हो। तो यहां जैसे मैंने सबसे पहले कहा 1-to-1 कॉल, मान लीजिए कोई एक ग्रुप का आदमी अपने ही ग्रुप में बात करना चाहे, 01 उसका ग्रुप है और यूजर आईडी उसकी है 801 और वो बात किससे करना चाह रहा है 802 से, चाहे वो सेम ग्रुप का हो सकता है 01। बात करना चाहता है 802 से, तो जब ये दोनों बात कर रहे होंगे कोई और नहीं सुन रहा होगा, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं 1-to-1। ये फैसिलिटी एकदम बिल्कुल वैसे हो गई जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, सिर्फ मुझे और अगले को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, दूसरे को पता नहीं। दूसरी फैसिलिटी इसमें होती है ग्रुप कॉल, यानी आप चाहें कि ये मैसेज जैसे मैंने कहा आपको अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाता है, मान लीजिए मैंने 5 ग्रुप बना रखे हैं A से लेके E तक, A B C D E, और मैं चाहता हूं कि मेरा मैसेज सिर्फ ग्रुप A में जाए और कोई नहीं सुने, यानी ये मैसेज है इसके लिए सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे A, उनसे जूनियर थे B, उनसे RKS ऑफिसर थे C और फिर उसके बाद आ गए सबॉर्डिनेट्स। तो मान लीजिए 5 ग्रुप जो हो गए, ये अपन चाहें कि एक ग्रुप में खाली, मैं तो चाहता हूँ सीनियर मोस्ट ग्रुप में ही मैसेज फ्रेश हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल पे बैठा जो ऑपरेटर है उस फ्रीक्वेंसी वाले सेट को उठाएगा जो ग्रुप में काम करता है और उस पर ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो उस ग्रुप में जितने भी यूजर हैं मान लीजिए 800 यूजर हैं तो वो सभी सुन लेंगे, बाकी जो ग्रुप नंबर बचे B C D और E उसमें कोई भी यूजर नहीं सुनेगा। फिर इसमें जो नेक्स्ट और कॉल जो फैसिलिटीज है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रॉडकास्ट अपन ने एक इसमें होगा ब्रॉडकास्ट, ये इसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। ये सब टर्म्स आप थोड़ा थोड़ा याद करें, समझा तो रहे हम याद रखते हैं। सिस्टम कॉल को अगर मैं बोलूं तो ब्रॉडकास्ट भी बोल सकता हूं। देखिए ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा फर्क है, ग्रुप में सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाएगा जैसे मैंने कहा A B C D E ग्रुप है, लेकिन सिस्टम कॉल इन सभी को कॉल करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, यानी इस ग्रुप में जितने यूजर्स हैं सभी ग्रुप के सभी यूजर्स के पास ये मैसेज जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूं ब्रॉडकास्ट या सिस्टम कॉल। फिर एक इसमें है
टेलीफोनिक कॉल, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अभी तक जो हमने कन्वेंशनल में सिस्टम देखा तो ये था कि मुझे जो कुछ भी मीडिया था वो जो कुछ यूज करता था तो मैं ये वायरलेस नेटवर्क ही होता था, यानी मैं जो बात कर रहा हूं तो मेरा माध्यम क्या रहेगा, वो जो फ्रीक्वेंसी, वो नेटवर्क जो मैंने वायरलेस का बना रखा है, ये यूजर वन है, ये यूजर टू है, यानी इसको बात करनी है तो इसको रेडियो सेट रखना ही पड़ेगा, इसको भी रखना पड़ेगा और इसको भी रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि एक फैसिलिटी इसमें दी गई है कि आप टेलीफोनिक कॉल भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टेलीफोनिक। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए इस यूजर के पास रेडियो है, ये चाहता है कि भैया मैं तो बहुत सीक्रेट मैसेज है, मैं नहीं चाहता कि रेडियो पे फ्लैश हो, पता नहीं कोई सुन ले, तो मैं इसको टेलीफोनिक कॉल के थ्रू इस वायरलेस नेटवर्क से परे इस पे कॉल कर सकता हूं, इस यूजर टू के मोबाइल पर, इस यूजर के टेलीफोन पर। तो हो गया, इस वायरलेस नेटवर्क जो इसका एक क्षेत्र था उसके परे दूसरे किसी मीडिया, ये मीडिया हो गया दूसरा, टेलीफोनिक लाइन हो गई, PSTN लाइन हो गई, ISDN लाइन हो गई, उसके माध्यम से अगर मैंने सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है, कंडीशन है अगर मैं उस कंट्रोल को PSTN लाइन से यानी टेलीफोन एक्सचेंज से किसी भी तरह से जोड़ दूं तो ये फैसिलिटी मेरे उस सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगी। तो जरूरी नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है, इसके पास अगर टेलीफोन है और टेलीफोन से कॉल करना चाहे रेडियो पे कॉल आ सकता है, तो ये भी एक फैसिलिटी है जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है सीक्रेट मैटर होता है, मैं चाहता हूँ सिर्फ कंसर्न ऑफिसर को ही बताऊं। पेजिंग के बीच में फैसिलिटी है और मैसेजिंग की भी, वो भी जरा समझ लेते हैं। देखिए जनरली जो कन्वेंशनल सिस्टम थे उसमें मैंने किसी को कॉल करा, अगर वो सुन रहा है, अवेयर है, तब तो वो उसका जवाब दे देता था, बाकी उसको अगर ध्यान नहीं है तो बाद में वो अपने सेट में कोई ऐसी उसको फैसिलिटी नहीं है कि चेक कर सके मुझे किसी ने कॉल करा, या अगर वो मान लीजिए इस स्थिति में नहीं कि मैं जवाब दे दूं तो वो भी नहीं था इसमें। इस मैसेजिंग में ये है कि अगर कंट्रोल के पास कोई मैसेज है जो जनरल पेजिंग वाला सिस्टम है, आपकी LCD डिस्प्ले जो है उसके माध्यम से वो सभी यूजर्स को या ग्रुप्स को या फिर पूरे ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेज सकता है, B यानी ब्रॉडकास्ट, G यानी ग्रुप में, या फिर पर्टिकुलर यूजर यानी सिंगल को अगर ये मैसेज देना चाहे तो मैसेज कर सकता है। अब इसमें एक रिवर्स फैसिलिटी और है, मान लीजिए यूजर है, इसके पास कॉल आया लेकिन जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो ये एक मैसेज दे सकता है जो मैसेज इस कंट्रोल के पास चला जाएगा, बिजी इन मीटिंग, और ये मैसेज कहां चला गया, इस कंट्रोल पे, तो कंट्रोल को पता लग गया कि साहब ये अफसर जो है या ये यूजर जो है ये बिजी है, सुन तो लिया, इसके पास ये तो पता चला गया कि मैंने कंट्रोल ने इसको कॉल किया, लेकिन अभी वो ये कर सकता था मीटिंग बैठा बैठा, उसने एक क्लिक करा तो मैसेज कहां चला गया, कंट्रोल पे, यानी टू वे, आप कंट्रोल के पास कुछ देना है कंट्रोल दे सकता है, यूजर के पास कुछ है वो वापस मैसेज दे सकता है, तो ये भी एक इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर हम जल्दी से इसकी ये देखें कि क्वालिटी क्या क्या है, तो देखिए इसमें बिजी क्यू का भी आता है कि मान लीजिए आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फीचर, इसको देख लेते हैं, देखिए अपने पास 10 फ्रीक्वेंसी है, 10 फ्रीक्वेंसी हम काम में ले रहे हैं, लेकिन 11वें आदमी को उसी वक्त कॉल करना है और उसने कर भी दिया, उसको नहीं पता कंट्रोल कितने चैनल पे काम कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी अवेलेबल है और कितनी बिजी है, मैं ये मानूं 10 चैनल बिजी है और 11वें ने इसको कॉल कर लिया, तो इसके मैसेज आ जाएगा बिजी इन क्यू, और दूसरी बात जैसे ही ये क्लियर होगा इसको स्ट्रिक्ट ऑन आएगी और ये उसके बाद कॉल एस्टैब्लिश कर सकता है, यानी बिजी है ये भी पता चल रहा है, और दूसरा जैसे ही फ्री होता है उसको फिर एक
क्योंकि ये शेकिंग जो होती है या जो करेक्शन है इस रेडियो ट्रिंकिंग में क्या होता है, जब भी कोई यूजर कंट्रोल पे कॉल करता है तो उसको बोलते हैं हैंड शेकिंग। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और ये टर्म भी याद रखना। देखिए हैंड शेकिंग कभी भी एक हाथ से नहीं होती है, दोनों हाथ से होती है। जब मैं किसी अपने मित्र से दोस्त से मिलता हूँ तो हैंड शेक करता हूँ। यहाँ भी करता सिस्टम कि यूजर वन है, यूजर वन को इच्छा हुई, उसकी इच्छा है यूजर टू से बात करने की, तो यूजर वन जैसे अपना पीडीटी प्रेस करेगा वो आएगा इस कंट्रोल नोड पे, ये चेक करेगा कि यूजर वन जो है वो अपने नेटवर्क में है या नहीं। जैसे ही जिस नेटवर्क पे कॉल करना चाहता है, मान लीजिए ग्रुप टू पे कॉल करना चाहता है, तो ग्रुप टू का जैसे ही ये यूजर वन इसको कॉल करेगा ये लाइन क्लियर होते ही ग्रुप टू में कनेक्ट कर देगा। तो ये भी चेक करेगा कि इस ग्रुप टू में वो अवेलेबल है या नहीं, अपना चैनल फ्री है या नहीं। जैसे ही ये होता है तो इस आदमी को और इस आदमी को बात करने के लिए एक चैनल दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं हैंडशेक। जैसे ही ये हैंडशेकिंग होती है बहुत मिली सेकेंड में काम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है। जैसे ही ये हैंडशेकिंग होती है उसके बाद ये यूजर वन और यूजर टू आपस में बात कर सकते हैं। एक इसमें और जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो जरा देख लेते हैं। देखिए हमारे जो पुलिस नेटवर्क में ऐसा हमेशा होता रहता है कि कई बार हमें प्रायोरिटी बेस पे काम करना पड़ता है और हमेशा करना पड़ता है क्योंकि काम ही ऐसा रह गया लॉ एंड ऑर्डर का। तो इस सिस्टम में ये करते हैं कि हम यूजर्स को या ग्रुप को हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। कैसे प्रायोरिटी सेट होती है वो देख लीजिए कि मान लीजिए इसको हमने ग्रुप में बांट रखा है, जीवन ग्रुप एक बना रखा है, सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस का G2 बना रखा है, आरपीएस ऑफिसर का G3 बना रखा है मैंने, सबॉर्डिनेट्स का ASIs का ऐसे अलग अलग करके मैंने G5 G6 बना रखा है। तो अब मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, प्रायोरिटी मैंने सेट कर दी प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 और बाकी सबको ऑर्डरली प्रायोरिटी, मतलब सी कोई ऑर्डर जो इस G3, G4, G5, G6 पे जैसे कॉल करेगा अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस उसको मिल जाएगा। लेकिन जब ये चारों कॉल कर रहे हैं उस बीच में इनमें से या इसमें से फर्स्ट या सेकंड में से कोई कॉल कर देता है, ये प्रायोरिटी वाले हैं इसको मैंने ऑरेंज से क्लिक कर दिया, तो ये इसमें से किसी एक का कॉल काट देगा या उसको क्यू में रखेगा और किसको प्लान करवाएगा, G1 या फिर G2, क्योंकि ये किस बेसिस पे हमने कर रखा है प्रायोरिटी सेट कर रखी है इसको कि भाई ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन रहेंगे। अगर सारे यूजर्स कॉल करते हैं उसमें से ये G1 या G2 में से कोई यूजर होगा तो उसको प्रायोरिटी देंगे, उसका पहले कॉल लैंड होगा, बाकी सबको क्यू में रखेंगे। तो ये एक प्रायोरिटी वाला इसमें एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। टाइप ऑफ कॉल हमने पढ़ी नहीं है, अब थोड़ा सा आते हैं इसमें सिस्टम की कैपेबिलिटीज। देखिए कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें एक लेमैन सा एक मेरे पास एक है, चैनल स्पेसिंग जो है 25 किलोहर्ट्ज की रखी जाती है और रिपीटर्स की अगर बात करें और 28 रिपीटर की बात करें, अगर 28 रिपीटर जैसे हमने भी 8-10 लिए थे, अगर 28 रिपीटर की बात करें तो 48,000 यूजर्स या सब्सक्राइबर इस नेट पे काम कर सकते हैं, यानी 48,000 यूजर एक सिस्टम पे काम कर सकते हैं, वो भी अलग अलग चैनल पे, मतलब 28 चैनल पे। अब इसके कुछ मेन जो मॉड्यूल्स हैं जो पार्ट हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए कंट्रोल में हमने पहले एक एंटीना सिस्टम में दो चीजें तो पढ़ी थी, एक तो था RX कंबाइनर और एक था TX स्पीकर। इसके अलावा भी और भी कई मॉड्यूल्स हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक है इसमें स्टेशन कंट्रोल। स्टेशन कंट्रोल जो है वो कंट्रोल करेगा किसका, पूरे नेटवर्क का,
जितने भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी जैसे हमने F1 से लेके F10 तक ले रखी है, तो इसपे जो भी कॉल होता है, कॉल लैंड करना, कॉल कनेक्ट करना, कॉल डिस्कनेक्ट करना, ये सारा फंक्शन किसका होगा, स्टेशन कंट्रोल का होगा। एक और इसमें इम्पोर्टेंट फीचर है वो और समझ लेते हैं कि मान लीजिए 10 लाइनें कॉल में बिजी हैं और इस कंट्रोल पे प्रायोरिटी से कॉल आता है कि भैया ब्रॉडकास्ट करना है और बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो ये क्या करेगा, सभी को ब्रेक कर देगा। इसके पास एक अथॉरिटी होती है, सभी को ब्रेक कर देगा, यानी सभी चैनल बंद हो गए, जो बात कर रहे थे वो अधूरी रह गई और किसके पास पावर आ जाएगी, स्टेशन कंट्रोल के पास, और ये चाहेगा तो ब्रॉडकास्ट कर सकता है, यानी कॉल ब्रेक करके और अपना ब्रॉडकास्टिंग जो इसको करनी है वो कर सकता है। पावर सप्लाई मॉड्यूल तो हम जानते हैं, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए क्योंकि पावर सप्लाई चाहिए, तो इसको पावर सप्लाई जो रेगुलर मेंटेन होती रहे वो इसको मिलती रहती है। देन वी हैव पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। इसका पावर एम्पलीफायर का वैसे आप सब नाम से ही समझ जाएंगे कि जो ट्रांसमीटर स्टेज है जिसमें TH स्प्लिटर थे, वो जैसे ही स्प्लिटिंग वाला काम होगा उसके बाद उसका काम आएगा कि भाई मेरे को जब एंटीना में ट्रांसमिट करूं तो जिस आउटपुट का वो है, मान लीजिए 100 वॉट का आपने ट्रांसमीटर लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, उसी कैपेसिटी के जितने भी सिग्नल से, मान लीजिए 10 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, तो सभी चैनल को सेम स्ट्रेंथ से, सेम पावर से, सेम कैपेसिटी से उसको एम्पलीफाई करेगा और ट्रांसमिट करेगा। अब एक इसमें और इंपॉर्टेंट फीचर है वो अपन समझ लेते हैं, वो है इसका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसके टर्म में जैसे पढ़ेंगे वैसे समझ में आ जाएगा सर, मैं आपको ब्रीफ में सारा समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए जितने नेटवर्क हैं, मैंने जो अपना स्टेशन है रिपीटर जिसको बोलते हैं वो तो मैंने लगा दिया एक हिल टॉप पर, ये मैंने एक पहाड़ी बना दी, यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना कंट्रोल और एंटीना सिस्टम। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ऊंची पहाड़ी पे मेरे जो, अगर मैं चाहूं कि मैं इस पे वॉच रखूं, इसकी लॉग मेंटेन हो, इसका सारा काम जो है वो नीचे जो सिटी है अपना मेन जो ग्राउंड पे है वहां हो, ये नेटवर्क मैनेजमेंट जो है वो ग्राउंड पे हो, तो उसमें हमने जो अभी सिस्टम जो अभी लगा रखा है, फैसिलिटी है वो ये है कि माइक्रोवेव लिंक दे दिया हमने किसके बीच में, बिटवीन रिपीटर एंड NMS। अब ये क्या क्या काम करता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो भी इस फ्रीक्वेंसी के, मतलब 10 फ्रीक्वेंसी के जो नेटवर्क पे हम बात कर रहे हैं उसमें जो भी रिसेप्शन होता है, जो भी ट्रांसमिशन होता है, उसका प्रत्येक चैनल के हिसाब से अलग अलग RXTX का एक लॉग मेंटेन होगा, और उस लॉग को कौन मेंटेन करेगा, एक कंप्यूटर। हम चाहें तो इस चैनल पे या जिस पे रिसीविंग भी हो रही, ट्रांसमिट भी हो रहा है, लॉग मेंटेन करने के साथ में सुन भी सकते हैं, और मैं चाहूं कि इसको मैं ब्रेक करना चाहूं कि यार ये कौन बात कर रहा है, इसको बात हटाओ, मुझे यहीं से बात करनी, तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूं। सुन रहा हूं, मुझे लगा कि यार ये फालतू बात कर रहा है, मेरे पास एक प्रायोरिटी कॉल है नीचे, क्योंकि अपन ने NMS यहाँ बना रखा है, जरूरी नहीं मैं कंट्रोल पे जाके कॉल करूंगा, वहां जाके मैं बताऊंगा, मैं यहीं से इसको ब्रेक कर सकता हूं और एक कॉल एस्टेब्लिश कर सकता हूं। तो इस टाइप की जो कॉल आप चाहें तो इसमें लॉग, इसमें कैपेसिटी के हिसाब से होता है, आप चाहे 7 डेज का लॉग रख लें, आप चाहे 1 मंथ का लॉग रख लें, तो लास्ट अपडेट जो जैसे 7 डेज का रखें तो 7 डेज लास्ट 7 डेज का आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि किस चैनल पर कितनी देर बात हुई, जैसे मान लो चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 अप टिल चैनल 10, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि चैनल 10 कितना खाली है, चैनल 1 कितने दिन खाली रहा, या कितने टाइम पे इसमें बात हुई, ये सब सिस्टम कौन चेक करता है, NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम।
अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई वो रह गई अपनी अगर कोई ये पूछे कि ये सिस्टम किस पे काम करता है तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। जो हमें बैंड मिला है वो 800 हंड्रेड